हेलो फ्रेंड्स, लेट्स डिस्कस क्वेश्चंस एंड आंसर रिलेटेड टू रोमांटिक पोएट्री। फर्स्ट क्वेश्चन, विच रोमांटिक पोएट वाज फेमस फॉर बीइंग मैड, बैड एंड डेंजरस टू नो? आंसर इज लॉर्ड बायरन। विच रोमांटिक पोएट वुड हैव बिलीव दैट ए पोएट नीड्स इन्फ्लुएंस फ्रॉम समथिंग एक्सटर्नल एंड ट्रांसफॉर्मेटिव इन ऑर्डर टू राइट अ स्ट्रांग पोएम? आंसर इज पर्सी शेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेडिकेशन ऑफ बायरन्स डॉन जुआन कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज ब्लैंक? आंसर इज मॉकिंग एंड सटारिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ होम डिड जॉन किट्स हैव अ लव अफेयर? आंसर इज फैनी ब्राउने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉल ओ'ब्रायन आर्ग्यूज दैट शेली डिड नॉट लूज हिज पैशन फॉर द फ्रेंच रिवोल्यूशन बट दैट ब्लैंक डिड? आंसर इज विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल टेलर कॉलरिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोएट वुड बी मोस्ट लाइकली टू राइट अबाउट हिज टाइम इन रिवोल्यूशनरी फ्रांस? आंसर इज विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइन फूल्स आर माई थीम, लेट सटायर बी माई सॉन्ग डिमॉन्स्ट्रेट्स अ सेंटिमेंट दैट वुड लाइकली अपियर इन अ पोयम बाई ब्लैंक? आंसर इज लॉर्ड बायरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइन्स द लवलीएस्ट एंड द लास्ट द ब्लूम हुज पेटल्स निप्ड बिफोर दे ब्लू डाइड ऑन द प्रॉमिज ऑफ द फ्रूट आर फ्रॉम अ पोयम हॉनरिंग ब्लैंक? आंसर इज जॉन किट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेलीज ओड टू द वेस्ट विंड कैन बी बेस्ट अंडरस्टूड एज ए पोयम अबाउट ब्लैंक? आंसर इज हाउ पोएट्स कैन ब्रिंग अबाउट पॉलिटिकल रिवोल्यूशन। विच ऑथर वुड बी मोस्ट लाइकली टू यूज द सुपर नेचुरल इन हिज पोएम्स? आंसर इज विलियम ब्लेक। डंकन वू डिस्कसेज द प्रेजेंटेशन ऑफ स्पॉट्स ऑफ टाइम इन द पोएट्री ऑफ ब्लैंक? आंसर इज विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, डंकन वू रिजेक्ट्स द असर्शन दैट वर्ड्सवर्थ लूसी पोएम्स वेयर प्राइमरली अबाउट ब्लैंक? आंसर इज लव। विलियम ब्लैक्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम ब्लैक्स लिटिल ब्लैक बॉय एडवोकेट्स फॉर ब्लैंक? द इक्वलिटी ऑफ ऑल पीपुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टॉर्चर्ड डार्क स्पिरिटेड वरी एंड इंटेलेक्चुअल प्रोटागनिस्ट वुड मोस्ट लाइकली बी फाउंड इन ए पोयम बाई ब्लैंक? आंसर इज लॉर्ड बायरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉल ओ'ब्रायन्स एसे ऑन शेली सजेस्ट दैट शेली वॉज ब्लैंक? आंसर इज फियर्सली एंटी वार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेंटिमेंट वुड बी लीस्ट लाइकली इन ए पोयम बाई लॉर्ड बायरन? आंसर इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लव फॉर कॉमन मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रोमांटिक पोएट वुड बी लीस्ट लाइकली टू सेलिब्रेट? आंसर इज रेशनैलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रोमांटिक पोएट वुड हैव बीन मोस्ट लाइकली टू राइट ए पोयम सेलिब्रेटिंग द इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड? आंसर इज विलियम ब्लेक। विच लॉन्ग रोमांटिक पोयम ओपन्स विद द लाइन ओ देयर इज ब्लेसिंग इन दिस जेंटल ब्रिज? आंसर इज द प्रिल्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टू नाइटिंगेल फोकसेज ऑन ब्लैंक? आंसर इज हाउ प्लीजर्स आर फ्लीटिंग एंड लाइफ कैन नॉट कंटिन्यू फॉर एवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रोमांटिक ऑथर इज द सब्जेक्ट ऑफ पॉल ओ'ब्रायन्स एसे प्रोफेट ऑफ द रिवोल्यूशन? आंसर इज पर्सी शेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेली इज ह्यूमन टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी सजेस्ट दैट ब्लैंक? आंसर इज द सोर्स ऑफ ब्यूटी कैन नॉट बी नोन एंड दैट ब्यूटी कैन ओनली बी फेल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डज शेली कंसीडर द ट्रू फाउंडर्स ऑफ सिविलाइज्ड कल्चर्स एंड लॉज? आंसर इज पोएट्स एंड आर्टिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोयम इज कंसीडर्ड वर्ड्सवर्थ मैग्नम ऑपस? आंसर इज द प्रिल्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलरिज एंशियंट मैरिनर कुड बी सेड टू बी सफरिंग फ्रॉम एन ओवरवेलमिंग फीलिंग ऑफ ब्लैंक? आंसर इज गिल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेलीज पोयम मॉन्ट ब्लांक कैन बी बेस्ट सेड टू डिपिक्ट एन एनकाउंटर विथ ब्लैंक? आंसर इज द सबलाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑफ
poetry in general, William Hazlitt contends that good poetry comes from. Answer is strong feeling. Next question, lines written a few miles above Tintern, a bee explores blank. Answer is the way in which one's psychological state changes over time. Next question, to whom does the ancient mariner tell his story in rhyme of the ancient mariner? Answer is the wedding guest. Next question, the general tone and attitude of Byron's Don Juan would be best described as blank. Answer is ironic and satirical. Next question, Paul O'Brien contends that blank makes Shelley a radical. Answer is Shelley's political beliefs makes Shelley a radical. Next question, who refers to poetry as an imitation of nature? Answer is William Hazlitt. Next question, which poem by Wordsworth examines writer's block? Answer is The Prelude. Next question, which of the following was responsible for Samuel Taylor Coleridge's Milton decline? Answer is his addiction to opium. Next question, Percy Shelley's poem Mont Blanc presents nature as? Answer is a powerful sublime force. Next question, John Keats died from blank. Answer is tuberculosis, TB. Next question, the poem London can be best understood as blank. Answer is a protest against social inequality. Next question, which poet would be least likely to write about the beauty of nature? Answer is Lord Byron. Next question, William Blank's Songs of Innocence and Experience explores. Answer is the loss of childhood and discovery of the adult world. Next question, this is last question, which romantic poet died relatively unknown but would become famous posthumously in the 19th century? Answer is William Blake.